जवाब दो, डरो मत। अरे बोलो ना। वो दिखे नहीं बेटा, घर कहाँ है तुम्हारा? बोलो कहाँ से आई हो? कब से पूछ रहे बेटा, कुछ तो बोलो। बोलती क्यों नहीं? अरे क्या नाम है तुम्हारा, कुछ तो बोलो। ये छोटी बच्ची है। पर कब से पूछ रहे, कुछ बता ही नहीं रही है। आओ बैठो। क्या नाम है बेटा? आरती। पूजा। हाय पूजा, क्या हुआ? तुम्हारे फ्रेंड को बुखार है? कहाँ रहती हो, कौन से स्कूल में पढ़ती हो? रेनबो। सुन बोल हरी, जरा पता कर गांधीनगर में रेनबो नाम का कौन सा डेफ एंड डम स्कूल है। ओके। ये दांत कौन ले गया? हरी आप ही का नाम है ना, हम पूजा को लेने आए हैं। ये क्या है, इन बच्चों को संभालना आपकी जिम्मेदारी है ना, और ये बेचारी यहाँ हॉस्पिटल में घूम रही है। माफ कर दीजिए, आइंदा ध्यान रखेंगे। आ। You're a cutie. Bye. Are you from Cathy Ad Agency? Yeah. Sir is calling you. Thank you. अरे उसकी चिंता को मत कर। हेलो, हम 5 मिनट में मिस्टर को उसके घर से लेकर निकल जाएंगे। अरे साले साहब, आप खाली आ जाओ। सारा इंतजाम हो गया ना? आके खुद देख लो ना। ओके। ए, ये रास्ते के बीच में क्या तमाशा लगा रखा है? दिमाग तो ठीक है, चलो गाड़ी हटाओ। तू इधर नया आया है क्या? ये इतनी सारी पब्लिक इधर शांति से काय को खड़ी है? तेरे भेजे में बात नहीं घुसी क्या? एक्चुअली में मिनिस्टर आ रहे ले, अब उनका साला उन्हें लेके आ रहा है। 1 घंटा तो इधर रुक, खाली स्टैचू का इनॉग्रेशन हो जान दे। और अगर तू नहीं रुक सकता तो अपन के पास एक आइडिया है स्पेशल तेरे वास्ते। इधर खड़े ले किसी को भी, किसी को भी बस एक बार हॉर्न बजाने के लिए मना ले, फिर हम लोग निकल लेंगे। तुम्हें तो हॉर्न बजवाओ साहेब। अबे रस्ते के बीच में डिस्कशन क्यों कर रहे हो, घर पे जाके करो। अबे बड़ी जल्दी है तुझे। Hey!
पॉल्यूशन की वजह से पहना था यार। मैं कोई बैंक लूटने नहीं जा रहा हूँ जो दिन दहाड़े मुंह ढककर यहाँ वहां फिरूंगा। एम्बुलेंस को रास्ता दे, इतनी भी अक्ल नहीं है। बिना परमिशन अंदर कैसे है? चलो निकलो यहाँ से, आओ। Next month, Shailu is going to direct an act. Congrats. Thank you, Kirti. All the best, Shailu. Oh, thank you so much. Hey, who are you? बिना परमिशन के अंदर कैसे आए? तमीज नहीं है? माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं क्या? Security. यहाँ कीर्ति कौन है? मैं तुम्हारा लवर, क्या नाम है उसका? तारुण। उसकी शादी किसी और लड़की से हो रही है, उसका बाप शादी के इंतजाम में लगा हुआ है, तेरा बाप मेरे पास है। वो चाहे तुझसे कितना भी प्यार करता होगा, पर तेरी तरह वो भी अपने बाप से बहुत प्यार करता है। बिल्कुल भी बेवकूफी मत करना, चुप रहोगी तो तुम्हारा बाप सही सलामत घर लौट आएगा। पुलिस या मीडिया के पास गई तो मम्मी के लिए दूल्हा ढूंढना। ए दाढ़ी बैठ। वो बार बार मेरे सामने आ जाती है, हमारे बीच कुछ तो है। समझ में नहीं आता कि सिर्फ मैं प्यार करता हूं या उसे भी कोई इंटरेस्ट है। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा? क्यों बताऊं? याद है तुम्हें लिफ्ट दी थी, बीच में ही उतार दिया था। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। कीर्ति, क्या है ये सब? शैलु, ये प्लीज सब? चली जाओ, मुझे किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी बात सुन, खुद मैनेज कर लूँगी। देख रोमर, मैं तरुण के बिना जिंदा नहीं। मेरी बात तो पूरी होने दे, मुझे किसी से बात नहीं करनी। कीर्ति, प्लीज प्लीज चली जाओ। फीलिंग करो। आर यू फीलिंग बेटर? ये शराब पीने से वो तुमसे शादी करेगा क्या? इससे कुछ नहीं होने वाला, तुम कुछ और ट्राई करो। तो क्या करूं? हम लड़कियां दारू पीने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? कोई बात नहीं, मुझ पे तो भरोसा करती हो ना? मैं तुम्हें जानती नहीं तो भरोसा कैसे करूं? ओके, तो मैं चलता हूँ। हेलो, सुनो तो, मैं तुम पर भरोसा करूंगी। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच। सॉरी, तुम्हारा नाम जाने बिना मैंने तुम्हें हग किया। हरी। थैंक यू सो मच हरी। कौन है वो? अपने एरिया का ही है, गुंडागर्दी करके काम करवाने के लिए काफी बदनाम है। उसका नाम महर्षि है। महर्षि, ये कैसा नाम है? बचपन में किसी के प्यार में पड़ गया था, तब एक पिक्चर आई थी जिसमें हीरो का नाम महर्षि था। फिल्म की हीरोइन और इसकी हीरोइन दोनों का नाम सुचित्रा था, इसलिए उसका फिल्म से कनेक्शन जुड़ गया। 4 साल तक उस लड़की के पीछे पड़ा रहा, पर उस लड़की की शादी हो गई और ये मजनू से देवदास बन गया। तब से रोज रात 8 बजे वो महर्षि पिक्चर देखता है और रोता धोता रहता है। टोटल खिसका हुआ है, उसे संभालना बड़ा मुश्किल है। जरा ध्यान से।